आपने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि एक भयानक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो पृथ्वी पर से इंसानियत का सफाया कर सकता है। यह जानने के बाद वैज्ञानिक तुरंत एक्शन लेते हैं और पृथ्वी को बचाने के मिशन पर लग जाते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है जो एस्टेरॉयड से टकराता है और उसके रास्ते को मोड़ देता है। वक्त के साथ एस्टेरॉयड स्पेस में दूसरी ओर चला जाता है और हमारी ये खूबसूरत सी दुनिया एस्टेरॉयड के खतरनाक इम्पैक्ट से बच जाती है। अब ये सब कुछ तो फिल्मों की बात है, पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में किसी एस्टेरॉयड के रास्ते को मोड़कर हमारी पृथ्वी को खत्म होने से बचाया जा सकता है? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है डार्ट। यह स्पेसक्राफ्ट सच में एक एस्टेरॉयड से टकराएगा और उसका रास्ता बदल देगा। और अच्छी बात यह है कि हम सब इस ऐतिहासिक घटना को विटनेस कर पाएंगे। तो क्या है नासा का डार्ट मिशन और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे सौरमंडल में सूरज, प्लैनेट्स और मून के अलावा लाखों एस्टेरॉयड्स भी हैं जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच मौजूद रहते हैं। इनका आकार 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। वैसे तो ये एस्टेरॉयड्स मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच रहकर ही सूरज को ऑर्बिट करते रहते हैं, पर कभी कभी ये अपना रास्ता भटक कर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिकों की माने तो हर साल पृथ्वी पर जितने भी एस्टेरॉयड्स गिरते हैं उनमें से लगभग 6000 एस्टेरॉयड्स इतने बड़े होते हैं कि वो पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाते हैं। इन उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी पर कितनी तबाही मचाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वह कितना बड़ा है। अगर कोई एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर बड़ा हुआ तो वो अकेला ही पूरी पृथ्वी पर से जीवन का सफाया कर देगा, और अगर कोई एस्टेरॉयड 1 किलोमीटर बड़ा हुआ तो उसमें इतनी ताकत होगी कि वह किसी कॉन्टिनेंट को तबाह कर दे। ये भी हो सकता है कि वो एस्टेरॉयड किसी कॉन्टिनेंट में ना गिरकर किसी ओशियन में गिर जाए। अगर ऐसा होता है तब भी हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कोई एस्टेरॉयड किसी ओशन में गिरेगा तो उसमें सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और वे लहरें हमारी सिविलाइजेशन को बहुत ही आराम से ख़त्म कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे एस्टेरॉयड की जो 150 से 200 मीटर बड़े होते हैं। अगर इस साइज का कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो वह किसी शहर को तबाह कर सकता है। जाहिर है इसका प्रभाव हमारे आसपास के शहरों पर भी होगा। इस तबाही के बाद का जो मंजर होगा उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये चांद से दिखने वाले एस्टेरॉयड्स कितने खतरनाक हैं। और अगर आप अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो ज़रा इनसे मिलिए, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। हम इंसानों से पहले पृथ्वी पर इनका ही राज था। आज से 6.5 करोड़ साल पहले ये डायनासोर पृथ्वी पर रहा करते थे। ये वही पानी पीते थे जिसे आज हम पी रहे हैं, उसी हवा में सांसें लेते थे जिसमें आज हम सांसें ले रहे हैं। डायनासोर ने पृथ्वी पर 18 करोड़ सालों तक राज किया और फिर एक दिन लगभग 10 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी से टकराया और उस इंपैक्ट की वजह से पृथ्वी पर इतनी तबाही मची कि 18 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर बस कुछ पल में ही खत्म हो गए। उस इंपैक्ट में सिर्फ डायनासोर का अंत ही नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त पृथ्वी पर जितनी भी जिंदगियां थीं उनमें से लगभग 75% जिंदगियां खत्म हो गई। सिर्फ वे ही जिंदगियां बच पाईं जिन्होंने अपने आप को पृथ्वी की सतह के नीचे छिपा लिया था, और हम सभी उन्हीं में से किसी एक की संतानें हैं। उस विनाश में जो मैमल्स बच गए थे हम इंसान उन्हीं से विकसित होकर बने हैं। 20 लाख सालों के एवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया है। आज हम इंसान हर फील्ड में बहुत ही डेवलप हो चुके हैं और हमने पृथ्वी के बाहर भी अपने पंख फैलाने शुरू किए हैं, लेकिन लाखों सालों में बनी हमारी ये मानव सभ्यता बस कुछ पल में ही खत्म हो जाएगी अगर ऐसा ही कोई एस्टेरॉयड एक बार फिर से हमारी पृथ्वी पर गिर जाए। हम इंसान ऐसी तबाही से बच पाए इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से ना टकराए, और इसके लिए नासा ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। 24 नवंबर 2021 को नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है डार्ट, यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस स्पेसक्राफ्ट को डिमॉर्फस नाम के एक एस्टेरॉयड के पास भेजा जाएगा।
यह 170 मीटर का एक छोटा सा एस्टेरॉयड है जो अपने से बड़े एक एस्टेरॉयड के चक्कर लगा रहा है जिसका नाम है डिडिमोस। इसका डायमीटर 780 मीटर है। इस एस्टेरॉयड के नामकरण की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे 20 नवंबर 2003 को पीटर प्रावेक ने डिस्कवर किया था। उस समय इसे नाम दिया गया था S/2003-658031 क्योंकि ये एस्टेरॉयड डिडिमोस को ऑर्बिट करता है, इसलिए कुछ लोग इसे डिडिमोस बी या फिर डीडी मून भी कहते थे। लेकिन 23 जून 2020 को इसे अपना ऑफिशियल नाम मिला, डिमॉर्फस। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके दो रूप हों। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया, तो ज़रा याद कीजिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि नासा का यह स्पेस क्राफ्ट इस एस्ट्रॉयड से टकरा कर इसके ऑर्बिट को चेंज करने वाला है। अभी तक तो ये स्पेस क्राफ्ट इस एस्ट्रॉयड से नहीं टकराया है और अभी हम इसका पहला रूप देख रहे हैं। लेकिन जब ये स्पेस क्राफ्ट इस एस्ट्रॉयड से टकराएगा तो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा और तब हम इसका दूसरा रूप देख पाएंगे। इस इंपैक्ट के बाद यह पहला सेलेस्टियल बॉडी बन जाएगा जिसके ऑर्बिट को हम इंसानों ने चेंज किया है। यह स्पेस क्राफ्ट 26 सितंबर 2022 को 6.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस एस्ट्रॉयड से टकराएगा। इस टकराव को नज़दीक से देखने के लिए इस स्पेस क्राफ्ट के साथ एक नैनो सेटेलाइट को भेजा गया है जिसका नाम है लीसिया क्यू। यह नैनो सेटेलाइट टकराव से 10 दिनों पहले इस स्पेस क्राफ्ट से अलग होगा। इस नैनो सेटेलाइट को इटालियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है क्योंकि वो भी इस मिशन में नासा के पार्टनर हैं। चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इस स्पेस क्राफ्ट का वजन 500 किलो है और इस एस्टेरॉयड का वजन 480 करोड़ किलो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो ज़रा ध्यान से सोचिए, एक 500 किलो का स्पेस क्राफ्ट किसी 480 करोड़ किलो के एस्टेरॉयड को धक्का मारकर उसका रास्ता मोड़ने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मक्खी किसी ट्रक को धक्का मारे। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है। यह स्पेस क्राफ्ट जब इस एस्टेरॉयड से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी में 0.4 मिलीमीटर प्रति सेकंड का बदलाव लाएगा। वैसे तो यह बदलाव बहुत ही छोटा है, लेकिन वक्त के साथ ये बहुत ही बड़ा चेंज लाएगा। डिमॉर्फस 11.92 आवर्स में डिडिमोस को एक बार ऑर्बिट कर लेता है, लेकिन इंपैक्ट के बाद इसका ऑर्बिटल पीरियड 10 मिनट कम हो जाएगा। इसे पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप की मदद से ट्रैक किया जाएगा। लेकिन इस बदलाव को और भी नज़दीक से देखने के लिए इस मिशन में नासा की दूसरी पार्टनर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन प्लान किया है जिसका नाम है हेरा। इसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा और दिसंबर 2026 में ये डिमॉर्फस के पास पहुंचेगा। यह स्पेसक्राफ्ट अपने साथ दो नैनो सैटेलाइट्स को डिमॉर्फस तक लेके जाएगा जो वहां पहुंचकर इस एस्टेरॉयड को स्टडी करेंगे। अब इस मिशन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि डिमॉर्फस हमारी पृथ्वी से टकराने वाला था इसलिए नासा ने स्पेस क्राफ्ट भेजकर उसके ऑर्बिट को चेंज किया है, बल्कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है ताकि ये समझा जा सके कि अगर कोई एस्टेरॉयड फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बनता है तो हम उसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं या नहीं। तो चलिए प्रे करते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो ताकि हम ये कह पाएं कि हम इंसान अब इतने काबिल बन रहे हैं कि अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हम एस्टेरॉयड से भी लड़ सकते हैं।